कूटी हुई मिर्चें और टमाटर। अब इसको बिल्कुल सही से मसाले को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी इन्होंने ऐड किया है, देखिए गाइस टमाटर गल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जिनके वालदैन बीमार वाला पाक उनको सेहत दे, और जो परेशान वाला पाक उनकी परेशानियाँ मजबूरियाँ दूर अता फरमाए, क्यों ही ना जी। आप कुछ कहना चाहेंगी? आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की रेसिपी जो बना रहे हैं हम लोग वो सबकी फेवरेट होती है, क्यों ही ना। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ऑल पर, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुँच सके। तो आज हम इंशाल्लाह पार्ट टू भिंडी रेसिपी। अरे तो हाँ ना, जहर सी बात है। तो इंशाल्लाह आपको पूरा तरीके से मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, भिंडी बनाने का तरीका सिखाएंगे, फिंगर लेडी बनाना, ठीक है। फिंगर लेडी, लेडी फिंगर होता है। अबे यार क्या हो गया यार, नहीं मतलब सही नाम बताएं। सर्च में YouTube पे तो यही आता है, फिंगर लेडी। फिंगर लेडी इतनी मुश्किल से मैंने नाम सीखा था, तुमने यू भी वो करो। चल खैर है, कोई बात नहीं। चलो लेडी फिंगर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेडी एंड फिंगर ये था मैं। तो चलते अपने रेसिपी की तरफ, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, और चले ठीक है चलते। सारी भिंडियाँ काट दी, और ये देखें कितनी बड़ी बड़ी काटी है आपके सामने, ये देखें कितनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ काटी हैं। और इंशाल्लाह जब ये पकेंगी ना, तो फिर आपको उसको यकीन करें खा के देखना कैसी पकेंगी, बिल्कुल लजीज। क्योंकि एक तो पहले ये गलेंगी बहुत जल्दी, और बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा इनका, ठीक है। और ये देखें लाइट पड़ी हुई, मरी हुई लाइट बहुत ही जल्दी बंद हो जाती है, और ये मैंने सारी अंधेरे में बैठ के काटी है, फुल अंधेरा हो रहा है। अगर ये लाइट बंद, मोबाइल की लाइट बंद कर दूँ तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, देख रहे बिल्कुल ब्लैक हो रहा है। तो इंशाल्लाह आगे आपको दिखाता हूँ, इंशाल्लाह अभी तो लाइट है ही नहीं, फिर आगे दिखाता हूँ। गाइस अभी इन्होंने इसमें डाली है घी डाल दिया है, सॉरी ऑयल डाल दिया है, और ये देखिए प्याज काट के रखी है इन्होंने, और इधर जो है इन्होंने लिया है टमाटर, पीसी हुई मिर्चें, नमक और ज़ीरा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हद से ज़्यादा नमक भी इन्होंने रखा है। तो अभी हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, डाल दे, हो गया ये कड़क कड़क की आवाज़ जो आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। तो गाइस ये देखिए प्याज डाल रहे हैं हम लोग, बहुत रुलाया इस प्याज ने। तो गाइस ये देखिए प्याज फ्राई करेंगे उसको, आहिस्ता आहिस्ता, सही है, बिल्कुल वी आई पी करना है, हल्की हल्की ब्राउन करनी है आपने, ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल जैसे हल्के की ब्राउन कलर होती है ना प्याज, वैसे ब्राउन कर लिए, पिंक पिंक, सही है। तो इंशाल्लाह बाकी दिखाता हूँ आगे आपको, और इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आएगी आपको, और यूँ ही बने रहे बस हमारे साथ इंशाल्लाह। अभी इसमें हम सबसे पहले करेंगे ऐड ज़ीरा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये देखें ज़ीरा डल चुका है, ज़ीरे को हम करेंगे थोड़ा इसको शामिल इस तरह से,
और इंशाल्लाह तो दिखाता हूँ बाकी बाकी देखें इन्होंने अभी जो है साथ साथ डाल दिया है, ठीक है। नमक, कूटी हुई मिर्चें और टमाटर। अब इसको बिल्कुल सही से मसाले को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी इन्होंने ऐड किया है, देखिए गाइस टमाटर गल जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह। और बहुत ही मज़ेदार और लजीज लेडी फिंगर बनने वाली है इंशाल्लाह, दिखाता हूँ बाकी। टमाटर गले या नहीं गले तो ये देखिए गाइस टमाटर गल चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे भिंडी, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए गाइस बिल्कुल बारीक बारीक से भिंडी कटी हुई है, और अब इंशाल्लाह ये भिंडी जो है बारीक बारीक कटी हुई है ये बहुत ही लजीज और जायकेदार बनेगी, क्योंकि ये बारीक बनी हुई है ना और जल्दी बन जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए डालो हाथ मारना की ज़रा इना, अरे इधर भिंडी में, अल्लाह हू अकबर, भिंडी में हाथ नहीं मारता क्योंकि तो ये देखिए गाइस, ठीक है भिंडी डाल दी मैंने, तो ये देखें ये भिंडी इसमें डाल चुकी है, और अब इसको भिंडी को हमें थोड़ा सा घुमा के इसको अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ऐसे ही ना, और इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। अभी बस देखते हैं इंशाल्लाह इसमें क्या फ़र्क आया है। तो ये देखें माशाल्लाह से, अरे धुआं हट जा, तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, तो ये देखें माशाल्लाह से इंशाल्लाह थोड़ी सी देर लगेगी, 10 मिनट में इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार, ठीक है। तो दोबारा से थोड़ी देर इसको लगा देते हैं वापस, बस देखते हैं भिंडी तैयार हो गई माशाल्लाह से नहीं, तो ये देखिए माशाल्लाह से भिंडी हो चुकी है तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, और इंशाल्लाह भी तो खा के बताते हैं कैसी बनी है। तो गाइस ये देखें भिंडी निकाल रही है ये प्लेट में, और ये देखें माशाल्लाह से ये भिंडी, और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, आप इसको एक बार खा के देखें, ये देखें कैसे, बहुत लंबी लंबी भिंडी भी लोग शौक से खाते हैं, लेकिन ये भिंडी खा के देखना कि ये भिंडी कैसे बनी है। तो गाइस मैंने भिंडी भिंडी खा ली है, आपने खाई भिंडी? खाइए। तो गाइस भिंडी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी माशाल्लाह, और अभी अभी हम लोग खा के बैठे हुए, और इंशाल्लाह हज़म भी हो गई होगी मेरे ख्याल से मेरे पेट में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।